हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। तो आज हम बनाएंगे मटर की कचौरी। यहाँ पर देखिए, हमने आटा में थोड़ा सा तेल, अजवाइन, नमक डालकर इसको अच्छे से गूंद लिया है। इसको हम ढक करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमने ली है हरी मटर, छिली हुई है ये कच्ची। तो यहाँ पर देखिए, हमने अदरक, मिर्ची और लहसुन ये डालकर इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने मटर को दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाउल में। तो यहाँ पर हम डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पर देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। और जीरा यहाँ पर थोड़ा सा चटक जाए तो फिर हम यहाँ पर डाल देंगे, ये 1 पिंच हींग है, इसको हम डाल देंगे इसी में। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, ये हमने बारीक काट कर ले ली है, इसको हम इसी में डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा पकने तक इसको हम भून लेंगे। अब यहाँ हम जो मटर पीस कर रखे हैं इसे हम यहीं पर डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर हम डाल देंगे इसी में। और ये 1 चम्मच से भी कम है, ये आधा चम्मच हम यहाँ पर जीरा पाउडर ले रहे हैं, ये हम इसको भी इसी में डाल देंगे। और ये हो गया धनिया पाउडर, 1 चम्मच है यहाँ पर, 1 चम्मच हम खाली डालेंगे, उसके अलावा यहाँ पर हम धनिया पाउडर नहीं डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें, ज़्यादा यहाँ पर हम मसाला नहीं डालेंगे। और आधा चम्मच यहाँ पर देखिए हम डाल देंगे आमचूर का पाउडर। इससे क्या है, टमाटर थोड़ा सा, ये जो मटर का हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा हल्का खट्टापन हो जाएगा तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। और नमक यहाँ पर हम डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, कम ज़्यादा जैसा खाते हो। और ये सब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी में। इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए हम डालेंगे 1 चम्मच है ये जो छोटा वाला चम्मच होता है उसमें से हम 1 चम्मच यहाँ पर बेसन डाल रहे हैं। 1 चम्मच बेसन डाल देंगे हम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर की कचौड़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी लेकिन एक बार जरूर इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ये मिक्स हो गया है, इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मटर अच्छे से हम भून लिए हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई ये हरा धनिया है, इसे हम डाल देंगे इसको, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा तैयार है, अब हम चलते हैं बनाते हैं इसकी कचौड़ी। यहाँ पर देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, आटा हमको बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है। 1 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे ताकि ये भरने में ना मटर की कचौड़ी क्या होगा, फटेगी नहीं हमारी। तो यहाँ पर देखिए मसाले को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। और यहाँ पे हम लेंगे ऐसे एक लोई, आप चाहें तो आप बेल कर भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे इसको बना लेंगे और इसमें जो हम बनाए हुए हैं ये स्टफिंग इसमें हम भर देंगे ऐसे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बनाएं तो पहले वो जो बनाएंगे मसाला हम उसको पहले बना के ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अगर ठंडा नहीं रहेगा तो भरने में थोड़ा दिक्कत जाएगी फिर। ये देखिए, और इसको आप बेलिए मत, ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए मटर की कचौड़ी हमारी कितनी अच्छी बन गई है, फटी भी नहीं बिल्कुल। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक जो बना के रखे हैं डाल देंगे हम। इसको हम जब तेल एकदम गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे, इसको स्लो आंच में बिल्कुल नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए अभी धीरे धीरे हमारी कचौड़ी कैसे ऊपर आ जाएगी।
और ये देखिए कचौड़ी हमारी बनके तैयार है। और यहाँ पर देखिए कचौड़ी हमारी बनके तैयार है। देखिए हम एक यहाँ पर तोड़ के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी फुली फुली कचौड़ी बनी है एकदम। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार ऐसे ही आप भी बना कर ट्राई जरूर करिएगा। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू, बाय।